कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाने के लिए लड़ रही है। सार्थक यदि राजनीति करनी है, धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। एक बार फिर लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है। हम लोग आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे। बहनों भाइयों, हमारा भारत का संविधान किसी भी आधार पर धर्म के आधार पर आरक्षण करने की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म के आधार पर आरक्षण किया तो इन लोगों ने किया। धर्म के आधार पर इन्होंने जामिया मिलिया में, यूनिवर्सिटी में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण करने की कोशिश की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर पलटवार किया है। सरासर झूठ है, ये और एक झूठ बोला। जिंदगी में तो झूठ बोलते ही आए गए, ये एक एडिशनल झूठ है, तो इसको कोई महत्व मत दो आप। हम तो रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तुम तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे को कोई नैतिक हक नहीं रिजर्वेशन के बारे में बोलने। पांचवें चरण के मतदान से पहले झारखंड के एक और मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सलाखों के पीछे चले गए। ईडी दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, गहमा गहमी बढ़ी। थोड़ी देर बाद मेडिकल की टीम भी पहुंच गई, जिनमें कई नर्स भी शामिल थी। हलचल बढ़ने की थोड़ी देर बाद में आलमगीर आलम की पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्य भी ईडी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद पता चला कि झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। आलमगीर को अरबों रुपए के टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने जेल भेज दिया है। और जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि इन लोगों ने स्वीकार कर लिया कि ये आलमगीर आलम के विभाग का सिर्फ 3 महीने का 3.5% कमीशन का हिस्सा था। अभी 4 वर्षों से ज्यादा के कार्यकाल में वो मंत्री रहे थे, तो बाकी जो अरबों रुपए की इनके काले लूट की कमाई है, जैसे जैसे पूछताछ होगी उसका भी खुलासा होगा। लेकिन आपको बता दें कि 6 मई को ईडी की छापेमारी के दौरान मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम के घर से 35 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किए गए थे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले 3 मई को झारखंड हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में ऐसे कई नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जिनके घर से बरामद हुए उनका कहीं पर स्टेटमेंट भी तो आया, एविडेंस भी है। अब दोष दूसरे को दीजिएगा। आप अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को भ्रष्टाचार करने पर रोक नहीं लगाइएगा। जनता के पैसों को लूटने की इजाजत दीजिएगा कांग्रेस के लोग,